बहुत खुश हूँ जीतने पर. मैं और मेरे पार्टनर गुरमीत, हम लोग जब शो स्टार्ट हुआ था तो हमें मतलब मन तो था कि हम जीतेंगे, लेकिन उस टाइम विश्वास नहीं था. शो के बढ़ते हुए हमने ज़्यादा काम किया और मेहनत करी. आई थिंक लक ने भी हमारा साथ दिया, भगवान ने भी हमारा साथ दिया और हम जीत गए. बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे लगता है कि जो औरतें होती हैं वो मतलब आदमियों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. ये नहीं, इसीलिए नहीं, मतलब फिजिकली नहीं, पर मैं मानती हूँ अब ये शो करने के बाद कि मेंटल स्ट्रेंथ फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आप जितने भी स्ट्रांग हो, आप जितने भी आपके मसल्स हो, आप जितना भी वेट उठा सकते हैं, अगर आपका दिमाग अगर आप ठंडा ना रखें और आप पैनिक जल्दी करें तो उन सब मसल्स का, उस स्ट्रेंथ का कोई मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है. तो मैं ये कहूँगी कि इस शो पे मैंने जो लड़कियों का मैंने सोचा भी नहीं था कि वो इतनी स्ट्रांग कंटेंडर्स हैं, जैसे रोज़ा है या नौहीद है, उन्होंने मुझे कम्प्लीटली सरप्राइज कर दिया. और कभी भी किसी को लगना नहीं चाहिए कि कोई लड़की अगर पतली सुखड़ी लगती है या कोई अगर लड़की खूबसूरत है या लगती है कि बहुत ही स्वीट है या छोटी सी है कि वो स्टंट्स नहीं कर पाएगी या तुम्हारी मतलब तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ पाएगी, तो ये गलत है. मुझे एक्चुअली शुरू जब हुआ शो, तो जब मुझे पता चला कि जैसी शो पर होगी तो मुझे लगा कि वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होगी. मंदिरा भी मुझे लगा बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होगी. जैसे जैसे शो बढ़ता गया मेरा ये बिलीफ मतलब और भी स्ट्रांग हो गया. अगर मुझे किसी ने बोला था कि बेट लगाओ कि कौन जीतेगा शो पे, तो मैं जैसी पर बेट लगाती कि जैसी जीतेगी ये शो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ही मतलब हम लोग बाकी सब तो अरे ये वो मतलब उनके मुंह पर भी आपको ऐसा लगेगा नहीं किसी टाइम पे भी कि वो रोई है या कुछ उन्होंने कहा है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा या मुझे ऐसा लग रहा है. तो वो काफ़ी स्ट्रांग कंटेस्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पार्टनर कैसा है, और अगर आपका पार्टनर और अच्छा भी है और आप भी मतलब आपकी जो रिलेशनशिप है एक्चुअली वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मेरा पार्टनर पंजाबी है, मैं पंजाबी हूँ, हमारी दोनों की मतलब जैसे ही हम लोग मिले हमारी मतलब एक सी दोस्ती बन गई. और वो बहुत ही सिंसियर है, बहुत स्वीट है और बहुत स्ट्रांग है. और आई थिंक हम दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया. उसने मुझे बहुत इनकरेज किया, जब मुझे कुछ कुछ चीज़ें मुश्किल लगी उसने मुझे बढ़ावा दिया. और आई थिंक उसके बिना मैं ये शो नहीं जीत पाती. आप मुझे बोल नहीं सकते क्योंकि मुझे एक्चुअली बहुत ही गंदा लगता है. वहाँ पर शो पर भी एक्चुअली स्टंट करने के बाद एक कॉकरोच मेरे बाल में, ऐसे मैंने भी स्टाइल से अपने बाल ऐसे बांधे रहे थे, तो उसके अंदर वो कॉकरोच 15 मिनट तक बैठा था. 15 मिनट बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे बालों में एक कॉकरोच बैठा है. उसके बाद से बस मुझे मतलब बिल्कुल अगर कोई कॉकरोच बोले तो मुझे बस बहुत घिन आती है.